चांदनी चौक में लोग आते अपनी मर्जी से लेकिन जाते चांदनी चौक वालों की मर्जी से है कि नहीं। हाँ ऋषि भैया। छोटे सुन, एक नंबर आइडिया लेके आया हूँ मैं टॉप का। क्या आइडिया? अपने पास में एक पागल आई थी ना, एक पागल को ही रवाना करते उस फौजी के साथ में, तो वो इंदिरा की हम शक्ल नहीं है, जारा पागल खाने में सड़ रही है, कुछ काम ही आ जाए अपने निठल्ली, उसको साहब की उसना बना के चिपका देते हैं उसको, ले जाके लाहौर। है सब्र का इम्तिहान किसे कहते हैं, ये कोई हमारे दिल से पूछे और ऐसा क्यों? जब बबली के पोलियो से तंग आकर चिढ़कर खुद उसकी अम्मी जान ने उसकी जान लेना चाहिए, तब आपने उसे बचाया, उसे एक माँ का प्यार दिया, उसे अपनाया आपने। ए कबीर चौधरी, ले ले मजा हिंदुस्तानी लाल मिर्ची का। बेगम ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ठीक तो है ना? शक्ल इतनी मासूम और हरकतें ऐसी, आपको आपकी गलती की सजा मिलकर रहेगी। तो आपको तुम्हें ऋषि साहब, हमारी बेगम का हाथ छोड़िए। बेटी आपको आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। छोटी सी बच्ची ने छोटी मोटी शरारत कर दी, उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी मम्मी की तरह आप उसकी पिटाई करेंगी। कुछ ज्यादा नहीं हो गया कबीर साहब? क्या कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारी हमारी बेगम इनकी अम्मी जान, यही कहना चाह रहे? ये हमारी बेगम है उसना, इस बात को याद रखिएगा। पर क्या है, एक बात पूछनी है आपसे, बात समझ में नहीं आई मेरे। आप बार बार हर सेंटेंस के आखिर में या बीच में ना ये जताई देते हैं कि ये आपकी बेगम है। ऐसा तो तभी होता है ना जब दाल में कुछ काला हो। हमारे कुछ कहने ना कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। इंदु, मैं समझती हूँ इंदु कि तुम्हें तुम्हारी अम्मी के बिना कैसे लगता है, लेकिन मैं अपनी अम्मी को बोलूंगी ना, वो भी तुम्हें प्यार करेगी। मुझे किसी की भीख की कोई जरूरत नहीं है। बढ़िया है, मुझ पर एहसान करना। इंदु आँख खोल, इंदु आँख खोलो बेटा। इंदु शाबाश, चलो आँख खोलो। इंदु इंदु नहीं, इसको छूने की जरूरत नहीं है। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, दिखावे के साथ नहीं। आँख खोल, चल आँख खोल। इंदु ऋषि साहब क्या हुआ? रहने दीजिए, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। इतने सालों से मैंने संभाला है, आगे भी संभालूंगा। हम और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते, हमें यहाँ से जल जाना होगा। सारी सबक दी हो, लेकिन आज उसकी माँ होती ना तो उसे तहजीब भी सिखाती, जो एक बेटी को सिखानी बहुत जरूरी होती। लेकिन आप तो उसे बिगाड़ने पर तुले गए। नहीं साहब, हमें तो ये लगता है कि जिस तरह के ये बाप है ना, इनकी बेटी तो वैसे ही हो जाएगी। हाँ तो आप बन जाइए ना इसकी माँ और सिखाइए इसे तहजीब और तमीज। ऋषि साहब देखिए, हम समझ सकते हैं इस वक्त आपके दिल पे क्या बीत रही होगी। इंदु की फिक्र हमें भी है, लेकिन आप भी तो सोचिए, वो बबली की अम्मी है, बबली को जरा भी खरोच आती है तो बहुत परेशान हो जाती है बेचारे। एक मिनट कबीर साहब जी, मैं पूरी तरह से आपने जो भी कहा उसको एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात पूछनी है आपसे। लेकिन आपकी प्यारी सी बेटी है, उसका नाम आपने बबली क्यों रखा? इस वक्त आपके सवाल का सबब हम समझ नहीं पाए, लेकिन उनका नाम हमने नहीं, बेगम ने रखा है। क्यों? नहीं वो, पर बबली क्यों, कोई तो खास वजह रही हो? हाँ वजह है, हमारी बेगम को ये नाम बबली बहुत ही अजीज है। आ जाओ जल्दी, आ जाओ आ जाओ, हट जा गजनी, हट गया। रात हो गई थी ना, तुझे आन गई थी, फिर मैंने रिक्वेस्ट करी तो आ गई। चलो बढ़िया, डॉक्टर जी सीढ़ियों से गिरी है, इसको माथे पर वहां पर चोट आई।